जॉब किया है, संजीवनी हॉस्पिटल पटेल नगर वहां भी जॉब किया है, सुरभि लैब करोल हुआ वहां भी मैंने जॉब किया है। मेरी जर्नी दिल्ली में था, मात्र 3,000 से स्टार्टिंग था। आज 15,000 खर्च करके मैं अपनी कार से दिल्ली आया हूं ट्रेनिंग लेने के लिए। ये पावर है फॉरएवर का दोस्तों। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 5 मित्र थे। मैं सोचा अकेला तो मैं फ्लाइट से भी चला जाऊंगा, लेकिन 5 दोस्त को लेके जाऊंगा। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मेरा 18 तारीख का खुद ट्रेनिंग था लीडर एकेडमी का। वो ट्रेनिंग मैं सबमिट करके मैंने सोचा नहीं, दिल्ली भी जाना है, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गया था इस मंदिर में आया हुआ। ये ज्ञान का मंदिर है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, दिल से बता रहा हूं। यस, जो जाता है इस मंदिर के लिए, ये वो मंदिर है जहां से लोग पत्थर बन के आते हैं पहले यहां पे, लेकिन जो यहां पे 6 महीना साल भर इस चेयर को फेविकोल जैसा चिपका के बैठ जाएंगे ना, वो पक्का मूर्ति बन के निकलेंगे और जो माला पड़ेगा उतना पावरफुल मूर्ति है। मेरे जीवन में फॉरएवर एक चमत्कार के रूप में आया, वो सन 2013 सितंबर 19 का डेट था। और डिसीजन लिया मैंने, सोचा कि अब मैं इसको तहे दिल से करूंगा। जैसा सर ने बताया, पहले शादी फॉरएवर से करना है, मैंने कर लिया था। क्योंकि जानते हैं आज सारी लोग कितना धूमधाम से, कितना एक्साइटमेंट में करते हैं, लेकिन आगे जाके फिर बहुत टेंशन हो जाता है। क्यों? पैसा के कारण। तो पहले पैसा से शादी हो जाए, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? वही है फॉरएवर दोस्तों। 13 में ज्वाइन किया और 6 महीना ट्रेनिंग लिया, यहां पे मैं पूरे दिल से ट्रेनिंग लिया। लगभग लगता है 5-6 डायरी भरा मैंने, पूरा ट्रेनिंग लिया मैंने। उसके बाद दिल्ली में प्रॉब्लम कुछ कुछ आने लगा, लोगों के पास टाइम का चैलेंजेस होता है, ऐसा नहीं होता है? होता है। आप बुलाएंगे बोलेंगे टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। मेरे साथ हो रहा था, मैंने डिसीजन लिया चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार में बेरोजगार बहुत है। दिल्ली में इंडस्ट्री बहुत है, 5,000 की नौकरी, 2,000 की नौकरी, 6,000 की नौकरी मिल जाती है, हमारे बिहार में तो है ही नहीं। मैं कहा चलते बिहार, नौकरी तो आई है, वहीं बाहर होगा। ठीक 2 महीना मैंने काम किया, 5,500 का प्रोडक्ट सेल हुआ, मैं सुपरवाइजर बन गया। यस, और सुपरवाइजर का पेन मैंने लिया था त्यागराज स्टेडियम में, जहां पे सबसे पे होता है। उसके बाद अभी सर बता रहे वर्निंग दिया है, वो आग लगा हुआ था सक्सेस का। फिर वापिस गया बिहार, फिर 4 महीना मेहनत किया, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर दिया, 9 लाख का सेल किया 10 के साथ। अब मेरा जो सपना था इस कंपनी में, सर लोग बताते हैं हमेशा आरटीके में टेबल पे कि एक बार फॉरएवर में मैनेजर बने तो मिनिमम 50,000 आता है। मैंने सोचा 50 नहीं 20,000 भी आएगा, दिन रात एक करेंगे, क्योंकि यहां लैब में 12 घंटा का ड्यूटी होता था, मात्र 18,000 का तनख्वाह था, एक जमाने नहीं बचता था। और 12 घंटा से नहीं कहिए 24 आवर कहिए, क्योंकि उसी के बारे में सोचता था, अपने बारे में नहीं सोचता था। 4 साल नौकरी करने के बाद अपना 2-व्हीलर गाड़ी तक नहीं खरीद पाया था, ये था जॉब मेरी लाइफ में। जॉब बहुत स्टैंडर्ड वर्ड होता है, लेकिन लाइफ में सक्सेस के बाद जॉब करना चाहिए। कैसा अनुभव होता है उस व्यक्ति बता सकता है, जॉब का अनुभव कैसा होता है। बॉस का शक्ल देखना कितने लोग को अच्छा लगता है, किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है, समझ सकते क्या जॉब होता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो सैलरी 18,000 का लेना था, इसलिए मैं कर रहा था, है ना। मैंने सोचा कि चलो अब और दिन लगाते हैं। फिर लगातार 3 महीना और मेहनत कर दिया, वो फाइनली डेट था जनवरी 2015 में टॉप फ्लोर मैनेजर अचीव कर गया। उसके बाद 2016 में मैनेजर रिटेट विवांता भाई ताज बेंगलोर गया। मैं देखता था ये स्क्रीन पे गजब का वो मैनेजर रिटेट का डांस होता है, देखेंगे आप लोग?
लगता है कि नहीं काश मैं भी यहां आ जाऊं, मुझे भी लगता था कि वहां के आगे स्क्रीन पे आ जाऊं। कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मेरे दिमाग में चल रही थी और वो खड़ी आ गई बैंगलोर जाने का, और वहां भी खूब इंजॉय किया, मजा आया। उसके बाद मेरी फैमिली भी सपोर्ट किए, पापा भी सपोर्ट किए, भाई भी सपोर्ट किए। आज मेरे ग्रुप में 10 मैनेजर है, 10 मैनेजर लाख प्लस है दोस्तों। जो लड़का 3,000 के लिए दिल्ली आया था, आज उस लड़के के लिए 10 मैनेजर 1,00,000 का चेक उठाता है। यस, और खुशी की बात है, 22 जनवरी 2018 को मेरा सपना था फोर व्हीलर, 22 जनवरी को डिजायर टॉप मॉडल में लिया हूं 14,00,000 की गाड़ी। और मुझे लगा था जीवन में कामयाबी के लिए खुद ड्राइवर बनना है। मैं अपने ड्राइविंग बेच के दिल्ली आया हूं कार से, पावर है मेरी कार लगी हुई है, सोच सकते कितना पावर है फोर व्हीलर का। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, अभी आप लोग से मैसेज है, अपनी जो इरादा है उसको बुलंद रखने का है। और आप लोग तो महान गुरुओं के साथ रहते हैं, मैं मिलने आया हूं 1200 किलोमीटर चल के सिर्फ गुरु जी के एक आवाज से, क्योंकि मेरा एक आवाज में मुझे सर्विस मिलता है नवाजा। गया पटना, मैं क्यों दिल्ली नहीं आऊंगा, टिकट कैंसिल हो गया, क्या हो गया। अभी मेरे साथ बिहार से 5 लड़का आए हुए हैं, आज मैं बोला चलो कदम रखो, क्योंकि इस मंदिर में जो जो कदम रखा है मैनेजर जरूर बनता है। Yes. आज मैं कमिटमेंट करता हूं कि आज मेरी ट्रेनिंग से कुछ और चेंज लाऊंगा अपने अंदर। अभी जो देख रहे हैं यहां पे खड़ा होकर बोल रहे हैं, ये फॉरएवर का पावर है, नहीं तो पहले वहां से बैठ के हार्ट बीट तेज हो जाता था, यहां ट्रेनिंग चलता था हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा है, फॉरएवर बहुत कुछ देती है, मान सम्मान रिवार्ड अवार्ड सब कुछ, तो फिर भटकने की जरूरत क्या है, है कि नहीं। आज ये वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप ट्रेनिंग है, मेरा एक दिन मिस कर गया, लेकिन मेरे एक मित्र आए थे बेंगलोर से, रंजीत सर, खड़ा हुआ रंजीत सर, देखिए ये फ्लाइट से आए थे, 13,000 की फ्लाइट का टिकट लेके आए हैं ट्रेनिंग के लिए। यस, इनकी फ्लाइट मिस कर गई थी, किसी दोस्त ने बना लिया बता टिकट बना गया था 1 बजे रात का, एक दिन बिफोर। और जब एयरपोर्ट पहुंचे बोला ये टिकट तो कल फ्लाइट निकल चुकी है, अभी बोले कोई नहीं मुझे तुरंत टिकट बनाओ। सोच के देखिए, इसको बोलते बर्निंग डिजायर, है कि नहीं। बिहार से कितने लोग आए मेरे साथ खड़ा होइएगा, बिहार से देखिए कैसे कैसे लड़के आए, ये सब बिहार से हैं सारे लोग। अब सोच सकते हैं क्या पावर है, इन्होंने भी आज ज्ञान के मंदिर में अपना पैर रख दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला दिन में इनका भी चेहरा मैनेजर के रूप में होगा। यस, थैंक यू सो मच, समय बहुत कम है, आप लोग लगे, थैंक यू।